सर जी, इसमें एक बड़ा प्रश्न ये था कि जैसे ये पीडब्ल्यू की जमीन थी, तो इनके ऊपर पहले इनको कैसे दे दिया गया, जैसे कोई प्रावधान था उस समय कुछ? हाँ जी, हाँ जी, जिला प्रशासन जाएगी राज्य सरकार को, हाँ संस्थान जी, सरकार, हाँ जी, और सरकार फिर उसमें अपना डिसीजन लेगी नंबर वन। दूसरा, हाँ जी, हाई कोर्ट में हमने पुनर्विचार पुनर्विचार याचिका लगाई है, हाँ जी, वो हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के पास पंजीयन हो गई। अब हाँ जी, कल मुख्य सचिव, उसमें मुख्य चीफ 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 जज है ना, हाँ मुख्य जी, हाँ जी, न्यायाधीश, उसमें डबल बेंच के लिए निर्णय करेंगे। डबल हाँ जी, बेंच से निर्णय होकर के उसमें हाँ जी, सुनवाई होगी। तो हाँ जी, ये सारी कार्रवाई आज दिन भर करी, हाँ और हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी एक्सपीएल लग गई 10 बजे। हाँ तो जी, हाँ जी, सर उम्मीद है कि हमारे बेलवा गांव के लोगों को न्याय मिलेगा। जी, इसमें एक बड़ा प्रश्न ये था कि जैसे ये पीडब्ल्यू की जमीन थी, तो इनके ऊपर पहले इनको कैसे दे दिया गया, जैसे कोई प्रावधान था उस समय कुछ? क्या जैसे उस समय ये जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग बोल रहे हैं कि ये पीडब्ल्यूडी की जमीन के अंतर्गत आ गई, तो ये कैसे आ गई, इसका क्या पहले क्या प्रावधान हुआ था उस समय? हाँ वो यहाँ रिकॉर्ड कहीं है ही कौन, दो जी, बीघा 26 पीडब्ल्यू के नाम से करी, अच्छा, लेकिन म्यूटेशन किस नंबर से भरा गया वो हाँ जी, नंबर नहीं है, तारीख नहीं है, और मौके माते 8 बीघा 6 बीस जो बाघ सिंह की जमीन थी वो आबादी में घोषित हुई, बिल्कुल बिल्कुल, और पट्टे हो गए, पट्टे बने में लॉनिंग हुई भी है, तो हाँ हुआ तो सारा गलती है, हाँ बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, वो अच्छा वकील था नहीं बैल वालों का, हाँ वो पैरवी कर नहीं सका और बिल्कुल, बोला नहीं, एक तरफा फैसला हो गया। सही सही, हाँ, हमने वकील किया है, ओम जी भूम नाथ रहू, अब सारा काम वो करेंगे। सही। आज अंतरिम रूप से जो मीटिंग हुई उसके अंदर क्या तय हुआ आगे के प्रावधान के लिए? बस बैठक हो गई, अब बैठक हो गई, हमने सब वकील अभी कर लिए, अब हाँ पुनर्विचार याचिका लगेगी, तो हाँ दर्ज हो गई, दर्ज होकर बात सुनाई होगी, और पक्ष हो जाएगा, अच्छे वकील किए हैं, कोई दिक्कत नहीं।